गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। अप टू एनुअल सिलेबस इट मींस चैप्टर नंबर 12 वी हैव कंप्लीटेड व्हेन आवर स्कूल इज रनिंग। हमने चैप्टर नंबर 12 तो कंप्लीट कर लिया था और एक जो चैप्टर था 13 उसको मैंने कट करवा दिया था, फन विथ मैग्नेट्स। जस्ट फॉर नॉलेज अबाउट द मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए ओनली चैप्टर में समझा रहा हूँ। इसका एनुअल एग्जाम में कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा ना एनुअल एग्जाम में आएगा। ओके, तो इसके जो भी पॉइंट्स वगैरह आपको रफ नोट में मेंशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ? तो मैग्नेस नाम का लड़का था, सैफर्ड बॉय था, इन द टाउन ऑफ मैग्नीशिया। एक टाउन है मैग्नीशिया, वो कहाँ हुआ? एशिया के ग्रीस कंट्री में। यानी कि मैग्नेट नाम कैसे पड़ा, एक लड़का था मैग्नेस, उसके नाम पर मैग्नेट नाम पड़ा गया। ओके, There was black rocks यानी काले पत्थर है, which was an iron ore, जो कि iron ore है। iron ore मतलब जिसमें magnet के गुण होते हैं। iron में क्या होते हैं, magnet के गुण होते हैं। उसको जमीन से खोद कर जो निकलता है सबसे पहले step, उसी को क्या बोलते हैं, iron ore। Okay, it is called magnetite। और iron ore का नाम क्या दिया गया, magnetite। Okay, ये naturally प्राप्त है, जो naturally iron ore है उसका नाम क्या दिया गया, magnetite। नेचुरल मतलब जमीन से खोद कर निकाला गया। दैट्स व्हाई फ्रॉम मैग्नेस, इसलिए फ्रॉम मैग्नेस इट्स नेम इज मैग्नेट। मैग्नेस जो सैफर्ड बॉय था उसी के नाम पर इसको नाम क्या दिया गया, मैग्नेट नाम दिया गया। पावरफुल मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, अब जो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पावरफुल मैग्नेट्स वो कहां यूज होते हैं, आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में यूज होती है टू सेपरेट करने के लिए क्या, आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द वेस्ट। बहुत सारा वेस्टेज पड़ा है, उसमें से जो मैग्नेट को अपने को अलग करना है तो पावरफुल मैग्नेट्स का यूज किया जाता है उस वेस्ट में से मैग्नेट को अलग करने के लिए, है ना। पावरफुल मैग्नेट होती है, बहुत ज्यादा उसमें अट्रैक्शन की क्षमता होती है, अट्रैक्शन मतलब खींचने की क्षमता होती है। अट्रैक्शन लाइक दैट, एक चुंबक अगर दूसरे चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है, वही अट्रैक्शन कहलाता है। तो बहुत सारा वेस्टेज पड़ा है, जैसे हम घरों में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मैग्नेट यूज होता है, लाउड स्पीकर, ईयर हेडफोन्स वगैरह, वो कचरे में डस्ट मतलब उसको हमने वेस्ट में डाल दिया और उस वेस्ट में से अपने को मैग्नेट अलग करना है, तो पावरफुल मैग्नेट का यूज करके उसको हम अट्रैक्ट करके अलग कर सकते हैं। ओके, मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टूडे कंटेन मैग्नेट। मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टूडे कंटेंट मैग्नेट, जिसमें मैग्नेट है, जैसे लाउड स्पीकर, रेडियोज, ईयरफोन, हेडफोन्स, उनमें क्या है, मैग्नेट है। मैनी सेलर्स, बहुत ज़्यादा जो नाविक होते हैं यूज नेचुरल मैग्नेट, क्या यूज करते हैं, नेचुरल मैग्नेट टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी सेलर्स यूज करते हैं मैग्नेट का। वास्को डी गामा इंडिया कैसे आया था, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की हेल्प से ही आया। तो मैंने डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट बताया, सैफर्ड नाम के बॉय से हुई थी और मैग्नेट के दो तीन यूज बताए। ओके, इसके बाद के और पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। नाउ स्टूडेंट, अब हमको पढ़ना है मैग्नेट्स के टाइप। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल मैग्नेट और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, ए मैग्नेट Which occurs naturally, वह मैग्नेट जो अकर्स होता है, जो प्राप्त होता है, जिसको अपन ले सकते हैं naturally ले सकते हैं जमीन से, and is not made by an artificial means, और उसको किसी तरीके artificially तरीके से नहीं बनाया जाता है, only pure form में होता है और natural से nature से direct प्राप्त किया जाता है, is called a natural magnet, उसी को हम क्या बोलते हैं, natural magnet। Example magnetite जो होता है वो natural form में होता है, इस पर कोई भी आर्टिफिशियली वर्क नहीं किया जाता है बाय द मैन के द्वारा। सेकेंड आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा, ए सब्सटेंस, वह सब्सटेंस टू विच प्रॉपर्टीज, उस जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल मीन आर इम्पार्टेड। ए सब्सटेंस, वह सब्सटेंस टू विच, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल मीन, जो प्रॉपर्टीज होते हैं नेचुरल मीन की, उसमें इंपार्टेड यानी कि उसमें प्रॉपर्टीज को सुधारा जाता है
उसको तोड़कर उसको किसी भी तरीके से इस कॉल आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसी को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। वापस समझा देता हूं, ए सब्सटेंस व सब्सटेंस टू व्हिच प्रॉपर्टीज, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल नेचुरल जो प्रॉपर्टीज होती है आर इंपार्टेड, इंपार्टेड यानी कि इनका इंप्रूव किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मींस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जांपल द मैग्नेट मेड फ्रॉम आयरन स्टील कोबाल्ट, जो मैग्नेट बना होता है आयरन से स्टील से कोबाल्ट से आर आर्टिफिशियल मैग्नेट, उन्हीं को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो जो किसी की हेल्प से बनते मैग्नेट उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल, और जो नेचुरली डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं मैग्नेट्स के डिफरेंट शेप्स बता देता हूँ आपको, मैग्नेट्स जो किस किस शेप में मिलती है। तो पहला है यू शेप, ये क्या है यू शेप के हॉर्सो मैग्नेट, हॉर्सो मतलब घोड़े की नाल कैसे होती है, घोड़े का पांव, वो किस शेप में होता है यू शेप में होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया हॉर्सो मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट। ये घोड़े की नाल कैसे होता है, घोड़ा का पांव उस शेप में। बार मैग्नेट रेक्टेंगल टाइप में होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट इस टाइप में होता है, और नीडल शेप मैग्नेट इस टाइप में होता है। तो मैंने चार आपको शेप बता दिए मैग्नेट के, पहला हॉर्सो मैग्नेट, दूसरा नाम क्या यू शेप मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट रेक्टेंगल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट इस तरीके सिलेंड्रिकल होता है, और नीडल मैग्नेट इस तरीके का होता है। तो आज मैंने जितना भी आपको समझाया है वो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए समझाया है, मैग्नेट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो बताई है आपको मैंने। इसका एनुअल एग्जाम से कोई कंसिडरेशन नहीं है, एनुअल एग्जाम में ये चैप्टर नहीं इंक्लूड है। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये चैप्टर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं मैग्नेट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।